अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी व्यूअर्स। मैं हादिया मलिक फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्लैक हेड रिमूवर मास्क। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मास्क। ये वाइसी ब्रांड का मास्क है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमें बहुत से प्रोडक्ट देती है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें मिल जाते हैं। जी व्यूअर्स, से पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ वाइसी की, जिसमें मैंने आप लोगों से इसका वाइटनिंग मास्क जो है वो शेयर किया था। चारकोल मास्क था, लेकिन वो था वाइटनिंग एंड मॉइस्चर मास्क। आज जो वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने वाइसी का ब्लैक हेड रिमूव मास्क जो है ये शेयर करना है। आज इसकी वीडियो में आज हम बात करेंगे इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह अप्लाई किया जाता है और ये किस तरह वर्क करता है। जी सबसे पहले बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग जो है वो नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनाई हुई, लेकिन जो इसका वर्क है वो काफ़ी अच्छा है। ये लोग मेंशन करते हैं कि ब्लैक हेड रिमूविंग क्लीन एंड वाइटनिंग स्किन, ये आपकी स्किन को जो है नीट करता है वाइट हेड से ब्लैक हेड से और अच्छे तरीके से क्लीन करता है। इससे में तकरीबन 50 ml प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है और इसके ऊपर जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये नोज़ पर अप्लाई करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, आपको फेस पर जिस भी एरिया पर आपके ब्लैक हेड्स हों वाइट हेड्स हों, आप उस जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनके नोज़ के अलावा चिन एरिया पर भी ब्लैक हेड्स होते हैं, आप वहाँ भी इसको अप्लाई करके अपने जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। और जब हम इसे खोलते हैं तो हमें इसमें से ट्यूब मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्यूब है इस तरीके का। इस तरीके का ट्यूब है जो कि काफ़ी अच्छा पैक किया गया है। इसके ट्यूब को बाहर से तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी खूबसूरत नहीं है, लेकिन अंदर से जो इसका ट्यूब है वो काफ़ी हद तक खूबसूरत है। इस तरह से इसको पैक किया गया है, जिस तरह से कोई भी लोशन या जो शैम्पूस वगैरह होते हैं, फेस वॉश होते हैं, उनको पैक किया जाता है। जी व्यूअर्स, इसके ऊपर इसको मेंशन करने का तरीका नहीं दिया हुआ, जस्ट यहाँ नोज़ प्रिंट की गई है 24/4 क्लियर। ये आपकी मेंशन करते हैं कि आपके नोज़ को आपके फेस को क्लियर करता है और 24/4 क्लीन रखता है। इसको खोलने का तरीका बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। जब हम इसे इस तरीके से खोलते हैं तो हमें इसमें से इस तरह का मास्क मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का मास्क है, ब्लैक हेड रिमूवर मास्क है ये, और इसका कलर जो है वो ब्लैक है। जब हम इसे अप्लाई करते हैं इस तरीके से, हमें इसकी बहुत थोड़ी अमाउंट लेनी है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। आपने अपने नोज़ पर अप्लाई करना है इसे, तो आपने इसको अप्लाई करके अपने फिंगर टिप से इस तरीके से अप्लाई कर लेना। अगर आप चाहें तो इसे ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकती हैं। आपने इसको इस तरीके से अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। जब ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो आपने इसको पील ऑफ करना है, स्ट्रेच करना है और बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। जी व्यूअर्स, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रही हूँ, अब इसके बाद मैं आपसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद मिलूंगी ताकि मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखा सकूँ। इसको रिमूव करके आप लोगों से इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है। जी इसलिए मैं अपने वीडियोस को पॉज कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए 15 मिनट के बाद, ताकि मैं इसको पील ऑफ कर सकूँ, इसका रिज़ल्ट दिखा सकूँ आप लोगों को। इसको पील ऑफ करने के बाद इसने मुझे किस तरह का रिज़ल्ट दिया है, लेकिन मैंने इसको अपने हाथ पर लगाया है क्योंकि ये नोज़ एंड फेस मास्क है, तो इसका असल रिज़ल्ट जो है वो नोज़ और फेस पर ही नज़र आता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसको अप्लाई करने का तरीका मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है, आप लोगों की आसानी के लिए इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, जब हमने इसको रिमूव करना है तो हमने इसको इस साइड से पकड़ना है और पकड़ कर आराम से इसको जिस तरह से स्टिकर को स्ट्रेच करते हैं या इसके अलावा पील करते हैं, किसी चीज़ को छीलते हैं, उस तरीके से आपने इसको रिमूव करना है इस तरीके से, क्योंकि मेरा जो ये मास्क है बहुत अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, कहीं इससे अभी भी वेट है ये, तो आपने इसको इस तरीके से पील ऑफ करना है। ये बहुत बुरे तरीके से पील ऑफ हो रहा है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे तरीके से भी पील ऑफ कर सकती हैं। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। और
और इसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। मैंने इसको पील ऑफ तो कर दिया, लेकिन इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो मेरे हाथ पर चिपक गए हैं, इसलिए मैं इसको पानी की मदद से वॉश कर लूँगी सिंपल पानी की मदद से। और ये इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से नीट हो जाता है। सिंपल पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। जो हमारे फेस में जितने भी वाइट हैंड एंड ब्लैक हैंड्स होंगे उनको रिमूव करेगा। ये लोग क्लेम करते हैं कि इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमें। तो मैंने इसको रिमूव कर लिया है, इसलिए मुझे बाजू पर तो कोई इफेक्ट नहीं दिया है। लेकिन जब आप इंशाल्लाह इसको अपने नोज पर अप्लाई करेंगे तो नोज़ में जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे उनको इंशाल्लाह ज़रूर रिमूव करेगा। और ये मैंने यूज़ करके देखा, इसने वाकई बहुत अच्छा काम किया था मेरे नोज़ के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। जो व्यूवर्स, आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।